दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एसके पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। फिर से आपका युवा तक भारत में स्वागत है। आज चर्चा का विषय लेकर के आया हूं आपके बीच में, शिक्षा को लेकर के, शिक्षा प्रणाली को लेकर के उठ रहे बड़े सवाल। आज हम बात करेंगे यूपी में मदरसा बोर्ड की शिक्षा को लेकर के। क्या उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड का द एंड हो गया? क्या उत्तर प्रदेश में दीनी तालीम को या दीनी शिक्षा अमान्य हो गई या उस पर बैन लग गया? अगला प्रश्न, क्या यूपी के जितने भी मदरसे हैं उनमें ताला लटकने वाला है? जी हां, आपको हम बता दें, हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद लोगों की जुबानें बंद हो गई। मदरसा संचालकों पर लटक रही तलवार, मदरसा संचालक किस तरीके से चलाएंगे अपने मदरसा के स्कूलों को? संभावित क्या लग सकता है मदरसों में ताला? आपको ध्यान रखना होगा, जो मदरसा बोर्ड हैं इन पर बड़े सवाल उठते हुए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पर मदरसों पर ताला लगने की खबर निकल के आ रही। हाई कोर्ट का फैसला भी ऐसा आ चुका है कि मदरसा बोर्ड में ताला लग सकते हैं। मदरसा बोर्ड की जो एसआईटी की टीम की जांच निकली थी, उस जांच में पूरी तरह से कई मदरसों में गलत तरीके से शिक्षा की व्यवस्था बताई गई। क्या है देखिए, इसमें अरे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ यूपी बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। और आपको बता दें, इसका मतलब यूपी में जिस कानून के तहत मदरसा को पैसा मिलता है, मदद मिलती है, वो कानून ही नहीं रहेगा या धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ यूपी बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। कोर्ट के कानून के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया है, किसका इस्तेमाल किया गया, कौन सा वो शब्द है, उसको भी जानना जरूरी है। आपको बता दें, जिसको कोर्ट ने कानून के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो अल्ट्रा वायरस है। उस शब्द का नाम है अल्ट्रा वायरस। और आपको बता दें कि अंशुमान सिंह राठौर नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को चुनौती दी थी और मांग की थी कि इसे असंवैधानिक करार दिया जाए, क्योंकि यह कानून धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध अदालत में याचिकाकर्ता को मानते हुए मदरसा बोर्ड एक्ट की मान्यता खत्म कर दी। इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच से बड़ा फैसला हुआ। और आपको बता दें, विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दे दिया, ताकि मदरसा में पढ़ रहे मौजूदा छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सके। इसका मतलब तो यह हुआ कि मदरसों पर अब ताला लगाने की नौबत आ गई। सरकार ने ताला लगाने की नौबत पर खड़ा कर दिया मदरसा को। और ये सरकार की बात ना कहें, ये एक हाई कोर्ट का फैसला है। आपको ये जान लेना चाहिए कि हाई कोर्ट ने मदरसे बोर्ड को जितने भी विद्यालय हैं उनमें ताला लगाने की बात कह दी है। अब ये नौबत आ गई है। हालांकि मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार प्रियंका अवस्थी ने कहा कि अभी अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि हमारे वकीलों की टीम पहले पूरे फैसले को पढ़ेगी, इस पर कानून के विद्वानों से भी राय और मशवरा लेगी, तभी आगे का कोई कदम उठाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, ये मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, क्योंकि 2 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, हम उन्हें हालत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। कमाल की बात तो यह है कि हाई कोर्ट के फैसले पर राज्य अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड सहित कई दूसरे अल्पसंख्यक संगठनों ने भी आपत्ति जताई।
आपको बता दें मदरसा बोर्ड के खिलाफ विदेशों से फंडिंग को लेकर लंबे समय से एसआईटी की जांच की जा रही है। 10 सितंबर से 15 नवंबर 2022 के बीच योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों का एक विस्तृत सर्वे कराया था। इस सर्वे में कई तरह के सवाल पूछे गए थे, जरा सवालों पर भी गौर कीजिए। पहला सवाल था, मदरसे का नाम क्या है? दूसरा सवाल था, संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? तीसरा सवाल था, छात्रों की सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं? अगला प्रश्न था, सवाल जो था अगला, वो बिजली सप्लाई कैसे होती है? टॉयलेट कितने हैं? छात्रों की संख्या कितनी? अगला सवाल था, मदरसे की आय का क्या स्रोत है और रजिस्ट्रेशन है या नहीं? छात्रों का किसी अन्य संस्था से रजिस्ट्रेशन है क्या? गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहां से है? ये सारे सवाल थे। हर मदरसे को 15 नवंबर 2022 तक मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर इस जानकारी को अपडेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन सीमा खत्म होने के बाद इसकी नियाद को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में करीब 8,441 मदरसे ऐसे मिले जिनकी कोई नहीं मान्यता। बिना मान्यता वाले ऐसे सबसे ज्यादा मदरसे मुरादाबाद मुजफ्फर मुरादाबाद में 240 मदरसे बिना मान्यता के मिले। इसी तरह लखनऊ में भी 100 मदरसों की मान्यता नहीं मिली। इसके अलावा प्रयागराज में 90, आजमगढ़ में 132 और कानपुर में 85 से ज्यादा मदरसे बिना मान्यता के मिले। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सर्वे के बाद उत्तर प्रदेश में केवल 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसे बचे हैं। आपको हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं, मदरसा बोर्ड संचालकों के लिए बड़ी खबर। यूपी सरकार के सर्वे में पाया गया कि सरकार के पैसे से मदरसे में धार्मिक शिक्षा दी जा रही। 2023 में योगी सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया था, जिसे विदेशी फंडिंग की जांच करनी थी। अब आइए समझते हैं, यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 लाया क्यों गया था। तो यह कानून उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए मदरसा के स्तर में सुधार लाने और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे जुड़े मामले को विधि पूर्वक कानूनी तौर पर लागू करने के लिए यह कानून बनाने का फैसला लिया गया। इस कानून का मूल मकसद था राज्य में मदरसा के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और उसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना, मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ना, साथियों को रोजगार के साथ बेहतर अवसर प्रदान करना। इस कानून के तहत मदरसा को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट के शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी फारसी मदरसा को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित करने का अधिकार मिल गया। पहले इसका प्रबंधन शिक्षा विभाग करता था, लेकिन 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और वक्फ विभाग का गठन होने के बाद मदरसा से जुड़े सारे काम शिक्षा विभाग से लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंप दिए गए। हालांकि एक्ट बनने के साथ इस कानून का विरोध होने लगा था। उसे उस समय भी कुछ लोगों का कहना था कि यह कानून दरअसल मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली का हिस्सा होने को से रोकता है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद मदरसा को मदद के तौर पर मिलने वाली सरकारी अनुदान की राशि तुरंत बंद हो जाएगी, बल्कि बंद हो गई है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार के अपने ही आंकड़ों के मुताबिक 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताला लटकने जा रहा है, और नहीं तो मदरसों के संचालकों को अपने संसाधनों से उसे चलाना पड़ेगा। यह अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। अब देखना यह होगा कि मदरसों के संचालकों का, बड़ी खबर इस समय की हम आपको दिखा रहे हैं, देखना यह होगा कि मदरसों के संचालक इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं यूपी मदरसा बोर्ड से संबंधित, एक एक पुख्ता जानकारी
आपको युवा तक भारत की स्क्रीन पर।